नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट विषय आप लोगों का कमेंट बार बार आ रहा है, सर क्या परीक्षा में धांधली हुई है, 18, 19, 19, 20 के एग्जाम शिफ्ट में धांधली की सूचना मिली न्यूज़पेपर से, उस पर क्या होगा? तो क्या होगा इस संबंध में, धांधली हुई, कितना हुई, एग्जाम कैंसिल होगा, क्या होगा, इस संबंध में बात करेंगे, आपके डाउट को दूर करेंगे। दूसरी बात, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी UPCL, UPRVNL, TG2 में। इसके साथ साथ UPRVNL, TG2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एग्जाम डेट आपका क्या हो सकता है और आपको आगे क्या करना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो यह होता है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे जब लाइव क्लास होगा कि सर ये वो, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए अपलोड किया जा रहा है कि आपके सारे कमेंट्स को देखते हुए जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिया जाए, ताकि लाइव क्लास में ये सब बातें ना हो, सिर्फ पढ़ाई की बात हो हमारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और सुबह 7:15 से डेली लाइव क्लास आपकी चलती रहेगी। अभी मेरे लिए स्पेशल क्लास चल रही है, तो आप सभी उसे ज्वाइन करिए और उसका फ़ायदा उठाइए, आपके लिए पूरी तरह फ्री है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ बात को समझ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ 19 और 20 को दोनों शिफ्टों में, तो कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐसा आया कि धांधली हुई है कुछ सेंटर पर, एक सेंटर पर शायद। तो देखिए, इसमें अभी तक जो मामला सामने आया, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसकी जाँच चल रही है, और ऐसे में क्या हो सकता है, तो अभी तक क्या हुआ है उसकी स्थिति में जानकारी देता हूँ। क्योंकि यह थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2017 की बात है, UPCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में इसी तरह की घटना हुई थी। जब एंसर शीट आया तो एक विद्यार्थी के मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसके बाद क्या हुआ, वो STF को सौंप दी गई, मार्च में एग्जाम हुआ था, और फाइनली एग्ज़ाम रद्द हुआ और पुनः एग्ज़ाम कराया गया अगस्त में। अब इसमें क्या होगा, अभी जांच चल रही है, आगे क्या होगा, हो सकता है कि एक परीक्षा के सेंटर जिस शिफ्ट जहाँ पकड़ाया है वहाँ कैंसिल हो एग्ज़ाम 19-20 की, या पूरे शिफ्ट का कैंसिल हो, तो ये आने वाले भविष्य में कुछ दिनों में पता चलेगा आपको। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी UPCL ने हैंड ओवर कर दिया है पुलिस को, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अब कितना इसमें क्या हुआ है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पिछले इतिहास को देखें, तो उसके अनुसार ये फिक्स है एग्ज़ाम कुछ ना कुछ कैंसिल होंगे 19-20 में। 19-20 जो शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, भले ही उस सेंटर का हो जहाँ धांधली हुई है, हो सकता है कि सिर्फ वहीं किया जाए। तो जो भी होगा आपको आगे जो भी अपडेट रहेगा हम देंगे। दूसरी बात करते हैं UPRVNL TG2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एग्ज़ाम डेट क्या होगा। तो देखिए, हमने कहा था कि अप्रैल लास्ट तक इसका एग्ज़ाम संभव है और होगा, 15-16 अप्रैल तक उम्मीद है कि आपके एडमिट कार्ड की सूचना आ जाएगी होली बाद फर्स्ट वीक में, और एग्ज़ाम मान लीजिए कि 21-22 संभवतः जब बताया जा रहा है, अभी कन्फर्म सूचना नहीं है, ये 27-28 को क्लियर हो पाएगा। तो 27-28 को फिर जैसे ही क्लियर होता है मैं वीडियो बना दूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आती है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 19-20 में जो एग्ज़ाम हुए शिफ्ट में, बहुत लड़कों का कमेंट आया कि कहीं से क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत टफ था, ये था वो था, हमने ये बुक पढ़ लिया, ये यूट्यूब चैनल देख लिया, एक इसका पेड कोर्स कर लिया। तो मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है लाइव क्लास, 2 नवम्बर से आपकी शुरू की गई और 19 जनवरी तक चला, और 62 लेक्चर जिसमें बेसिक मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के क्लास लिया गया है, और 62 लेक्चर है, उससे एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आया है। आप कॉन्सेप्ट जाकर देखिए, वीडियो कोई देखता नहीं है, कमेंट करता है पहले। इसके बाद हमने 20 जनवरी 2021 से प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चलाया, जो कि 1 मार्च तक चला, उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। 2 फरवरी 2021 से 36 लेक्चर में, अभी तक 36 लेक्चर अपलोड किया गया है,
जिसमें मॉडरेट टू हाई लेवल का एमसीक्यू कराया गया, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन 60% टैली किए गए हैं और इनडायरेक्ट रूप से तो सारे क्वेश्चन टैली किए गए हैं। न्यूमेरिकल भी उसी बीच में चलाया गया है, जितना न्यूमेरिकल पूछा गया है चलाया गया, उसे एक भी फालतू नहीं पूछा है। आप जाकर पहले देखिए, इसके बाद बोलिए कि कहीं से नहीं लड़ा है। ये कहना गलत है कि बहुत पेपर टफ था, कोई पेपर टफ नहीं था। जिस पैटर्न पर हमने पढ़ाया है, हमारे चैनल पर पढ़ाया गया, वो सारे लगभग 70% प्लस क्वेश्चन आए हैं। कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी सारे टैली किए गए हैं, सारे न्यूमेरिकल भी कराए हमने। और कुछ क्वेश्चन तो 60% डायरेक्ट हिट लड़ा हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिए चैनल पर जाकर, इसके बाद कमेंट करिएगा। उसके साथ साथ जब से 19 का एग्जाम खत्म हुआ है, हम लोगों ने लाइव न्यूमेरिकल क्लास शुरू किया है और ये गारंटी है कि जो ये सब क्लास देगा, आगे आने वाले पेपर जो है 27-28 को, उसमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लिख के रख लीजिए, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए और जो उनका एग्जाम हो गया है 19-20 को, वो भी मेहनत करें। UPRVNL भी होगा उनका। न्यू वैकेंसी की बात कर लेते हैं, न्यू वैकेंसी भी मई की लास्ट तक आएगी, जिसका एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है। उसमें 27-28 वैकेंसी होगी UPCL TG2 की। UPRVNL से वैकेंसी की कोई सूचना नहीं है अभी तक। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रेगुलर पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की सफलता कभी नहीं मिलती है कि आए और 500 क्वेश्चन रट लिए, आंसर रट लिए। तो आंसर रटने वालों का टेक्निकल में सिलेक्शन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आंसर रटने वाले को सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख दे देता हूँ। और अगर आपको पढ़ना है, हमारे चैनल पर सारी चीज़ फ्री में पढ़ाई गई है। आप शुरू नंबर लेक्चर 2 जनवरी से देखना शुरू करिए, अपना नोट्स बनाना शुरू किए। प्रैक्टिस करना है 2 फरवरी वाले लेक्चर से, प्रैक्टिस करिए। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए और मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना ऐसा नहीं होने वाला है कि आप रट के जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं अभी तक जो अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।